हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता। खीरे का रायता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत कम समय में बन जाता है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक खीरा लिया है बड़े साइज का, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से छील कर साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद हम उसे कद्दूकस की हेल्प से अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। खीरा को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेना है, और उसके बाद हमें इसका पानी निचोड़ कर निकाल लेना है। तो मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसका सारा पानी है निकाल लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये दही में डालने से दही पतला हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। तो इसी तरह इसे मुट्ठी से दबाकर या आप छन्नी की सहायता से भी इसका पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ की सहायता से इसे पानी निकालते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो इसी तरीके से हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे, और इस पानी को फेंके बिल्कुल ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो इसमें आप काला नमक डालकर इसे पी सकते हैं। तो चलिए अब हम रायता बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही को हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है, क्योंकि ये फेंटने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमने दही को फेंट लिया है, अब हम इसे इसमें खीरे के साथ इसे मिला देंगे। अगर आपको दही कम लगे तो आप और दही डाल दें, इसमें ज़्यादा दही तो नहीं लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से मिला लें। तो मैंने दही को इसमें मिला लिया है। अब हम इसमें ढेर सारे सीक्रेट मसाले डालने वाले हैं। तो जब हम दही इसमें मिक्स कर लेंगे, तब हम इसमें ढेर सारे मसाले डालेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है सफ़ेद नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ धनिया पाउडर, हरी मिर्च, और इसमें मैंने डाला है धनिया पत्ती। तो इसमें हम मिर्च डाल लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारे मसालों को इसमें ऐड कर लेंगे। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे, और उसके बाद अगर हमें टेस्ट में कम लगेगा तो हम फिर से इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें सारे मसालों को डाल लेते हैं, और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। खीरे का रायता बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो खीरा है वो कड़वा ना हो। अगर खीरा कड़वा रहेगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए आप ध्यान से ही खीरे को डालें। तो चलिए अब हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, अब इसमें हम धनिया पत्ती भी डाल लेते हैं, और उसके बाद उसे हम चम्मच की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा मिक्स हो जाएगा रायता, तब हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे। तो अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा जो रायता है वो देखिए देखने में कितना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब हम इसमें बिल्कुल बारीक पीसेस में कटे हुए थोड़े से प्याज डाल देंगे। प्याज डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो ना डाल सकते अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं हो तो, लेकिन अगर आप इसमें प्याज डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें प्याज को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हमारा जो रायता है वो फाइनली बनकर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।